हेलो गाइस वेलकम टू लॉ लेक्चर्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ लोक अदालत कि जो लोक अदालत है उनका कॉन्स्टिट्यूट उनको कैसे किया जाता है कैसे लोक अदालत बनाई जाती है एंड वर्किंग और वर्किंग क्या होती है लोक अदालत की क्या काम करती है लोक अदालत लोक अदालत इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर क्विक एंड चीप जस्टिस तो जो लोक अदालत है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मतलब जल्दी से जल्दी और कम से कम प्राइस पे मतलब कम से कम फीस पे जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है या ना मात्र फीस भी बोल सकते हैं हम इसे द केसेज आर सेटल बाइड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन लोक अदालत जो लोक अदालत है उसमें जो केसेज वगैरह की सेटलमेंट की जाती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के द्वारा की जाती है दीज आर द कोर्ट्स इन विच नो वन विन्स नो वन लूज द के केसेज तो ये लोक अदालत ऐसी के, ऐसी कोर्ट्स वगैरह मानी जाती हैं जहाँ पे ना कोई जीतता है ना कोई हारता है दोनों पार्टीज का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के वजह से सेम स्टेटस ही रहता है एंड स्टूडेंट्स लोक अदालत वर सिमिलर टू पंच परमेश्वर और जस्टिस ऑन चौपल तो अगर हम बात करें अभी की जो मतलब आज की लोक अदालत वगैरह चल रही है ये सिमिलर है पंच परमेश्वर के या जस्टिस ऑन चौपल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत की लोक अदालत का कैसे किया जाता है कैसे बनाई जाती है लोक अदालत सेक्शन नाइनटीन सेक्शन वन एवरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी तालुका लीगल सर्विस कमेटी कैन कॉन्स्टिट्यूट लोक अदालत सो जो ऊपर हमने अथॉरिटी और कमेटीज के बारे में बताया गया है ये कमेटीज़ और अथॉरिटीज लोक अदालत वगैरह कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और एट सच इंटरवल्स टाइम टू टाइम जब भी मतलब इनको ठीक लगे या कुछ सालों के इंटरवल के लिए या जब इनको ठीक लगे एज दे मे डीम फिट द नंबर ऑफ द मेम्बर्स विल बी एज डिसाइडेड बाई द अबव अथॉरिटी और कमेटी तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे लोक अदालत के ये जो भी अगर ऊपर अथॉरिटी ने किसी अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जिसने भी मतलब ये लोक अदालत बनाई होगी नंबर ऑफ मेंबर्स वही चूज करेंगे उन्हीं से उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 19 2 प्रोवाइड्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत जो सेक्शन 19 2 है इसमें यह बताया गया कि जो लोक अदालत हैं उनका कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट द लोक अदालत विद कॉन्स्टिट्यूट बाई मर्जर ऑफ द फॉलोइंग अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो लोक अदालत हैं ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है मर्ज करके और इसमें कौन कौन से मेंबर्स वगैरह हो सकते हैं कौन कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स जो मतलब जुडिशल सर्विसेज अभी दे रहे हैं जो जुडिशल ऑफिसर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं जुडिशल ऑफिसर्स वो इसके मेंबर्स वगैरह बन सकते हैं एंड अदर पर्सनस द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द लोक अदालत विल बी डिसाइडेड इन द फॉलोइंग अगर हम बात करें कि जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पर्सन लोक अदालत में पार्टिसपेट करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल यहाँ पर विल की जगह विद आएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टे ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अगर लोक अदालत बनाती है तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करेंगे इन अदर कंडीशन अगर बाकी और कोई भी कंडीशन है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अलावा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो अगर और कोई कंडीशन है तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेंगे लोक अदालत के लिए इट इज़ मैशनेबल दैट द परसन अदर दैन द जुडिशल ऑफिसर्स हु पार्ट इन लोक अदालत आर जनरली अगर हम बात करें ये बात मैंशन की गई है कि जो अदर पर्सन हो गए जुडिशल ऑफिसर्स के अलावा जो लोक अदालत में पार्ट लेना चाहते हैं लोक अदालत में हैव स्पेसिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ आर्ट लिटरेचर कल्चर लॉ जस्टिस सोसाइटी सर्विसज और जर्नलिज्म अगर हम बात करें कि जो मतलब अदर पर्सन है अदर पर्सन के पास चल तो कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो आर्ट या लिटरेचर या कल्चर या लॉ या जस्टिस या सोसाइटी या जर्नलिज्म के मैटर पे उनको पास इनमें से कोई भी स्पेशल नॉलेज होनी ज़रूरी है देयर इज सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन और अगर हम बात करें वुमेन को भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए इन दीज अदालत सोशल वर्कर्स हैव इंपॉर्टेंट रोल तो जो लोक अदालत होती है यहाँ पे सोशल वर्कर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है एडवोकेट्स लॉ लेक्चरर्स एक्सेट्रा यहाँ पे लेक्चर्स के लैक्चर्स की जगह लेक्चरर्स आएगा एडवोकेट्स लॉ लैक्चर एक्सेट्रा हैविंग स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें कि मतलब एडवोकेट्स और लॉ लैक्चर जो हैं ये सब मतलब जिसके पास ये सब नॉलेज है एक्सपीरियंस है जो सोशल वर्कर्स वगैरह भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो एडवोकेट्स और लॉ लेक्चरर्स हैं वो भी इसके मैंबर बन सकते हैं दस फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नाइनटीन सब सेक्शन वन सब सेक्शन टू सब सेक्शन थ्री एंड सब सेक्शन फोर इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत इज डन नॉट ओनली बाई जुडिशल ऑफिसर बट ऑल्सो एडवोकेट्स लॉ सोशल वर्कर्स वुमेन हैव वूमेटेंट रोल इन इट तो इसमें यह बताया गया जो लोक अदालत है ये जस्ट जुडिशल ऑफिसर्स द्वारा ही नहीं बनाई जाती बल्कि इसके मेंबर्स एडवोकेट्स भी हो सकते हैं लॉ लेक्चरर्स भी हो सकते हैं सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं और वुमेन्स भी हो सकती हैं लॉ लेक्चरर्स एडवोकेट्स सोशल वर्कर्स इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल है लोक अदालत के अंदर अब हम बात करेंगे वर्किंग कैसे होती है लोक अदालत की सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड्स अबाउट द वर्किंग ऑफ़ लोक अदालत तो जो सेक्शन 20 है लीगल सर्विसज अथॉरिटी एक्ट 1987 का उसमें बताया गया कि हाँ लोक अदालत की वर्किंग कैसे होती है अकॉर्डिंग टू इट इफ एनी पार्टी डिज़ायर्स टू सेटल इज केस बाई लोक अदालत सच पार्टीज मे रिक्वेस्ट टू द कोर्ट टू सेटल द केस बाई लोक अदालत तो अगर कोई पार्टी चाहती है कि हाँ हमारा केस जो है वो लोक अदालत के द्वारा सॉल्व किया जाए उसका मैटर तो वो जो पार्टीज वगैरह हैं वो पार्टीज़ कोर्ट में अपील कर सकती है कोर्ट में मतलब रिक्वेस्ट वगैरह कर सकती है ताकि उनका जो केस है वो लोक अदालत के पास दे दिया जाए एंड ही शैल अपील द इंटेंशन टू सेंड हिज केस टू लोक अदालत वो अपील कर सकते हैं कोर्ट से कि हाँ हमारा केस लोक अदालत में सॉल्व करवाया जाए सेकंड पॉइंट ऑन सच अपील द कोर्ट विल ऑब्जर्व एंड इट इज सेटिस्फाइड टू द कोर्ट दैट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टीज जब पार्टीज के द्वारा अपील की जाएगी तो ये कोर्ट ऑब्जर्व करेगी उनके मैटर को देख कर कि हाँ ये कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए इस बात से कि हाँ पॉसिबिलिटी है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होने की पार्टीज के बीच द केस इज वर्थी ऑफ हियरिंग बाई लोक अदालत देन कोर्ट विल सेंड द केस टू द लोक अदालत और कोर्ट को ये विश्वास होना चाहिए ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हाँ ये जो केस है ये लोक अदालत वगैरह जो है लोक अदालत में ये केस सॉल्व हो सकता है देन कोर्ट विल सेंड द केस टू लोक अदालत और उसके बाद जो कोर्ट है वो केस को लोक अदालत के पास सेंड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा इसमें हमारा थर्ड वर्किंग का पॉइंट ये है वैन एवर द केस इज सेंड टू लोक अदालत ऑन अपील ऑफ पार्टी जब भी केस लोक अदालत को सेंड किया जाता है पार्टी की अपील पे देन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑपोजिट पार्टी बिफोर इट तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑपोजिट पार्टी को फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये है लोक अदालत विल हियर द केस आफ्टर द केसेस कम टू इट तो जो लोक अदालत है वो केस की सुनवाई तब करेंगे जब केसेस उनके पास आएंगे एंड इन नेवर शैल बी डन फॉर द कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट और जो केस है केस को मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के द्वारा सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज करने के प्रयास किए जाएंगे लोक अदालत के द्वारा हमारा फिफ्थ पॉइंट इसमें ये एट द टाइम ऑफ इंडियावर ऑफ सेटलमेंट जब भी मतलब सेटलमेंट के लिए प्रयास वगैरह किए जाएंगे लोक अदालत के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल बी फॉलोड बाय लोक अदालत तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का जो प्रिंसिपल है या नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो लोक अदालत के द्वारा फॉलो किए जाएंगे अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल वो होता है जिसमें मतलब जो लोक अदालत के जो भी मेबर्स वगैरह होंगे जुडिशियल ऑफिसर्स वगैरह होंगे जो उनको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हाँ दोनों के दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ दोनों के साथ कुछ भी गलत ना हो तो ये चीज़ देख फैसला सुनाया जाता है सिक्स पॉइंट इसमें हमारा ये है सेटलमेंट इज नॉट हैपन देन द केस विल बी रिटर्न टू द कोर्ट अगेन तो यहाँ पर यह गया सिक्स पॉइंट में कि जो अगर सेटलमेंट नहीं की नहीं हो पाती है लोक अदालत के अंदर तो जो केस है वो रिटर्न कर दिया जाएगा उसी कोर्ट में जहाँ से जिस कोर्ट से जो केस है लोक अदालत को मिला था एंड द कोर्ट विल मूव द सेटल केस लीगली तो जो कोर्ट है कोर्ट उस केस को लीगली सेटल करेंगी हमारे सेवन्थ पॉइंट में यह है अबीशन इट विल डायरेक्टेड बाई द लोक अदालत टू दर्टीज दैट दे शुड गेट रेमिडी फ्रॉम द कोर्ट तो अगर हम ऊपर की जो कंडीशन हमने बात करी है उसमें यह बताया गया कि हाँ जो लोक अदालत है वो डायरेक्ट करेगी पार्टीज को कि हाँ तुम्हें कोर्ट से रेमिडी प्रोवाइड की जाएगी एटथ पॉइंट ये द कोर्ट विल स्टार्ट हियरिंग द केस फ्रॉम द स्टेज इन विच इट वॉज सेंड टू द लोक अदालत तो जो कोर्ट की हियरिंग वगैरह स्टार्ट होगी केस के बारे में वो उसी स्टेज से दोबारा स्टार्ट की जाएगी जब लोक अदालत को सेंड किया गया था केस उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन से दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा कोर्ट के अंदर केस जगदीश बुद्धुराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इन दिस केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट इफ सेटलमेंट इज नॉट द केस विल बी रिटर्न बैक टू द कोर्ट फ्रॉम वेयर इट कम टू द लोक अदालत तो इस केस में बताया गया था जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उन्होंने ये डिसीज़न दिया था अगर तो सेटलमेंट नहीं हो पाती है लोक अदालत में किसी केस की तो जो वो केस है वो केस दोबारा उसी कोर्ट को वापस कर दिया जाएगा जहाँ से वो आया था जिस कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया किया था केस को लोक अदालत में सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट नाइनटीन एटी सेवन प्रोवाइड्स अबाउट डिक्री एंड अवार्ड तो जो सेक्शन ट्वेंटी वन है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नाइनटीन एटी सेवन का उसमें यह बताया गया डिक्री और अवार्ड के बारे में वैन देर इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेटलमेंट इन अ केस दैन बाई द लोक अदालत अवार्ड विल भी इशूड जब भी मतलब कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट होती है केस की किसी केस की तो जो लोक अदालत है वह अवार्ड इशू करती है पार्टीज को सच ए अवार्ड विल भी इफेक्टिव एज डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट तो जो वो अवार्ड होगा मतलब जो अवार्ड इसमें फैसले को बताया गया है जो वो अवार्ड होगा वो सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है फैसला होता है उसके बराबर माना जाएगा उसके बराबर उसका इफेक्ट होगा इक्वली द पार्टीज ऑफ द अवार्ड विल भी अटैच टू द अवार्ड तो जब पार्टीज़ वगैरह हैं वो अवार्ड के साथ अटैच होने चाहिए नो अपील विल बी डन अगेंस्ट द अवार्ड तो कोई भी अपील वगैरह नहीं की जा सकती जो भी मतलब लोक अदालत ने फैसला दे दिया उसके खिलाफ उसके उसके लिए कोई भी अपील वगैरह नहीं की जा सकती कोर्ट फीस विल बी रिटर्न टू द पार्टीज इन कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अगर तो लोक अदालत के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो जो कोर्ट फीस वगैरह ली गई है पार्टी से वो उनको वापस कर दी जाएगी द इंपॉर्टेंस ऑफ द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज़ इक्वल ऑफ दैट इक्वल टू दैट ऑफ डिक्री तो अगर हम बात करें जो अवार्ड है लोक अदालत जो अवार्ड वगैरह देती है जो डिसीजन देती है वो सिविल कोर्ट की मतलब डिक्री के बराबरी माना जाता है केस के एन गोविंदन कुटी मेनवर्स सी डी शाहजी सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अवार्ड ऑफ लोक अदालत पास डॉन कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टी शैल बी डीम टू तो बिग्री ऑफ सिविल कोर्ट तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो लोक अदालत के द्वारा अवार्ड वगैरह पास किया जाता है कॉम्प्रोमाइज वगैरह करवाया जाता है पार्टीज़ के बीच तो वो ये मानकर चला जाता है कि जो सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर उसका फैसला है लोक अदालत का एंड एज सच एंड शैल बी एग्जीक्यूशन बाय द कोर्ट और वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है कोर्ट्स के द्वारा लोक अदालत ने जो फैसला दिया होता है वो द वर्किंग ऑफ लोक अदालत इज नाउ क्लियर फ्रॉम द अब डिस्कशन अगर हम बात करें जो लोक अदालत की वर्किंग्स हैं वो ऊपर जो हमने डिस्कशन वगैरह करी हैं उसके हिसाब से क्लियर हो चुकी होंगी अब तक सबको एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द वर्किंग ऑफ लोक अदालत इज टू सिंपल एंड ब्रीफ अगर हम बात करें जो लोक अदालत की वर्किंग है वो काफ़ी सिंपली है और काफ़ी इजीली वे में है और क्विक डिसीज़न मिल जाता है और चीपर रेट्स पे चीपर फीस वगैरह उसकी कोई नहीं होती लोक अदालत की इस वजह से ओके गाइस थैंक यू